सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुश्किल भरे दिन देखने, काटने और परेशान होने के लिए नहीं होते। ऐसे दिन तो लड़ने, सीखने और मुश्किलों के साथ मजा लेकर उन्हें दोस्त बनाने के लिए होते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई। टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। सब फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। शिक्षा का वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबा से फल देता है। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:12 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 1:48 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 29 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज अपनी दार्शनिकताओं तथा विचारों को किसी के साथ बांट लेने का मौका देखें। आपकी मुलाकात एक बेहतरीन व्यक्ति से हो सकती है, इससे एक खूबसूरत दोस्ती या अच्छी साझेदारी भी जन्म ले सकती है। थोड़े से ध्यान से देखने से आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे और यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल पाएंगे जिसके विचार आपसे मिलते हों। आप अपने कार्यों को कितनी तमन्ना और मेहनत से करेंगी उसी के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी हासिल होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी आस्था रहेगी जिससे मानसिक सुकून रहेगा और अपने व्यक्तिगत कार्यों पर उचित ध्यान दे पाएंगी। जितनी बातें आपने तय की थी उनमें से अधिकतर बातें आपके मन के अनुसार होगी, लेकिन जो बातें नहीं हो रही है उनकी वजह से चिंता हो सकती है। जो लोग निर्णय लेने से कतराते हैं उनको मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। करियर करने वालों को नौकरी से संबंधित इनसिक्योरिटी महसूस होने लगेगी। पार्टनर द्वारा बोली गई कटु बातों का असर आप पर हो सकता है। अपनी रिलेशनशिप से संबंधित बड़ा निर्णय लेने से बचिए, एसिडिटी अधिक रहेगी। सावधानियां, इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रिस्क ना लें क्योंकि बड़े नुकसान होने की स्थिति बन रही है। घर के बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखें तथा उनके सलाह और मार्गदर्शन का अनुसरण भी करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में आपसे प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों से किसी भी तरह का समझौता ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको रोमांटिक संबंध अथवा आकर्षण होने के मामलों में कम आकर जाता है तो अब समय आ गया कि आप इस बारे में कुछ करें। यह कल्पना करने की कोशिश करें कि आप कैसे दिखना चाहते हैं और कैसे पार्टनर बनाना चाहते हैं। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर चलना है। जीवन में आने वाली हर चीज को लेकर सहज रहें। बात करते हैं करियर की। आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपकी अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हैं। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं। तथ्यात्मक, यह सब अच्छा नहीं होगा, बस धैर्य रखने की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखे। गतिविधियों पर नजर रखे क्योंकि किसी प्रकार की गलतफहमियां होने से नुकसान हो सकता है। दूसरों पर भरोसा करने की वजह खुद ही सारी अवस्था बनाकर रखें। नौकरी पेशे लोगों के भी अपने अधिकारियों से संबंध बिगड़ सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय एकांत और प्रकृति के सानिध्य में भी अवश्य व्यतीत करना सुकून देगा। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है
और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफ़ी तेज और सक्रिय है। अपने दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें, आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। आज का उपाय, आज अब गाय को ताजी रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।